हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं जिस प्रोडक्ट की रिव्यू करने वाली हूँ वो है ऑरिश ऑर्गेनिक का हेल्दी एलोवेरा जूस। इससे पहले मैंने ऑरिश ऑर्गेनिक का ही आमला और एलोवेरा जूस का रिव्यू किया है मैंने। सो अगर आपने नहीं देखी तो मेरे चैनल पे है, आप जाकर देख सकते हैं। और इस ब्रांड के बारे में मैंने अपने पुराने वीडियो में भी बताया है, तो आप वो वीडियो देखकर अपने सारे क्लैरिफिकेशंस दूर कर सकते हैं अबाउट दिस ब्रांड। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, ये 500 ml की ही बॉटल आती है। इसमें कोई शुगर एडेड नहीं है, कोई आर्टिफिशियल कलर्स या फ्लेवर्स एडेड नहीं है। 100% नेचुरल है, वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। प्राइस की बात कर ले तो 210 रुपए की बॉटल है। सो यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कीटो फ्रेंडली है, वीगन है, ग्लूटेन फ्री है एंड कोई भी इसमें एडेड प्रेजर्वेटिव्स नहीं है। सो बेसिकली मैंने इसे इसलिए मंगाया था बिकॉज इस पैक के पीछे लिखी हुई थी दैट ये एसिडिटी के प्रॉब्लम में हेल्पफुल है एंड GERD के प्रॉब्लम में भी हेल्पफुल है। सो मैं बताती हूँ आपको वेदर इट वर्क फॉर मी और नॉट। तो और इसके क्या क्या बेनिफिट्स है आप देखिए। इस ये हार्ट हेल्थ भी इम्प्रूव करता है एंड देन वायरल इन्फेक्शंस को भी दूर रखता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी जो कि टर्मरिक होता है एंड देन एलोवेरा भी है। अगर आपको एसिडिटी के प्रॉब्लम है देन एलोवेरा काफ़ी अच्छा काम करता है। सो मैं इसको कैसे पीती थी, मैं इसको 30 ml पानी में डालकर और उसके बाद अच्छा से मिक्स करके इसको मैं पी लेती थी, एम्प्टी स्टमक पे कंज्यूम करती थी। तो चलिए खोल कर देखते हैं। ये देखिए लगभग ख़त्म होने पे आ गई। ये देखिए ये ख़त्म हो रही है। इसका कलर देखिए, इसके ऊपर जो ये कैप है इसमें 30 ml मेंशन्ड है। सो आपको डालना है पानी 150 ml और 200 ml मिलाना है एंड देन पी लेना है। मुझे एसिडिटी में काफ़ी हेल्पफुल हुआ है, मैं आपको ये बात बताऊंगी डेफिनेटली, बिकॉज मुझे थोड़ा एसिडिटी का प्रॉब्लम था। तो जब से मैंने कंज्यूम करना शुरू करा है मैं थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट देख सकती हूँ अपने एसिडिटी में एंड ऑल्सो जो भी गैस की प्रॉब्लम रह रही थी उसमें थोड़ा सा मुझे इम्प्रूवमेंट उसमें भी दिख रहा है गाइस। पर हाँ, मैं फिर से इसको परचेज डेफिनेटली करना चाहूँगी। सो अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल।